नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीआईटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया बेहतरीन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशनल वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है और शॉर्ट कैपेसिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों आगे हम वीडियो में जानेंगे कि प्लास्टिक मटेरियल अगर बदल जाता है तो उसी मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी क्यों बदल जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में से टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी होता क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक रिफिलिंग स्टेज का इमेज लगा रखा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डोजिंग हो रही है, यानी कि रिफिलिंग हो रही है। तो दोस्तों शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम और वेट मान लीजिए, जैसे कि अगर इंजेक्ट होता है तो उसको तौलते हैं तो वेट आएगा, लेकिन आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंजेक्टेड बाय स्क्रू ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल में अधिकतम मशीन की अधिकतम कैपेसिटी जितना वह मटेरियल को इंजेक्ट कर सकता है उसे उस मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है जिसको इंजेक्शन कैपेसिटी कहा जाता है, क्योंकि वह इंजेक्ट कर सकता है मैक्सिमम उतना मटेरियल इंजेक्ट कर सकता है, इसलिए उसको इंजेक्शन कैपेसिटी या एक शॉर्ट में जितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है उसको मैक्सिमम शॉर्ट कैपेसिटी कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ शॉर्ट कैपेसिटी समझ पाए होंगे। दोस्तों अब शॉर्ट कैपेसिटी का कैलकुलेशन कैसा होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि मटेरियल जो हम चला रहे हैं उसका डेंसिटी क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है पीवीसी मटेरियल और उसका डेंसिटी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों दूसरा चीज़ चाहिए मशीन का स्क्रू डाया कितना है, यानी कि जिस मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का स्क्रू का डायामीटर क्या है, या बैरल डाया कह लीजिए क्या है। तो यहाँ पे हमने जो मशीन लिया है उसका स्क्रू डाया 40 mm है, जिससे उसका रेडियस निकलता है आपका 20 mm, या बैरल डाया कह सकते हैं या स्क्रू डाया कह सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ चाहिए हमको मैक्सिमम डोजिंग या रिफिलिंग पोजिशन। हम पीएलसी में देख पाएंगे कि हमारा इस मशीन का मैक्सिमम डोजिंग या रिफिलिंग पोजीशन क्या होता है, मिनिमम जीरो होता है और मैक्सिमम हम कितना अधिकतम दे सकते हैं, ये हमें मशीन के पीएलसी से मिल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें चाहिए हमें मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी मैनुअल कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पर्पल कलर का जो हमने सिलेंडर बनाया है, यह जो है मैक्सिमम शॉर्ट कैपेसिटी या मैक्सिमम डोजिंग कैपेसिटी इस मशीन का है, जो कि आपका एक बैरल होता है, बैरल तो सिलेंडर होता है और सिलेंडरकल इसमें मटेरियल भरेगा तो एक सिलेंडर का रूप लेगा। तो दोस्तों इस सिलेंडर को हम बाहर निकाल लाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि 220 mm मैक्सिमम हमारा डोजिंग पोजीशन है, तो हमने 220 mm ले लिया और स्क्रू का डाया था हमारा 40 mm, तो रेडियस आ गया हमारा 20 mm। अब हम इसको वॉल्यूम के फॉर्मूला यानी कि V इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, जिसमें R जो है आपका रेडियस यानी कि स्क्रू का डाया का आधा हो गया और H जो है मैक्सिमम हमारा पोजीशन हो गया रिफिलिंग का या डोजिंग का। दोस्तों अब हम इस फार्मूले में डालकर हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपका मैक्सिमम डोजिंग पोजीशन में आता है। तो इसके लिए V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच का हम यूज़ करेंगे, जिसमें आपका हम हर एक मान डाल देंगे, पाई का मान 3.14, आर का मान 20 × 20 हो जाएगा और आपका एच यानी कि मैक्सिमम पोजीशन आपका 220 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 276320 mm पर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके सेंटीमीटर क्यूब में। दोस्तों और शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, अभी हमने बात किया, तो शॉर्ट कैपेसिटी अब क्या होता है। दोस्तों जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया हमारे पास, तो शॉर्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ बैरल मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम पोजीशन में कितना वॉल्यूम आता है मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ये हमारा वेट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने निकाला है 276.32 सेंटीमीटर पर क्यूब और हमने पीवीसी मटेरियल लिया था जिसका डेंसिटी था 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इसमें आपका सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 392.37 ग्राम्स, यानी कि यह हो गया आपकी उस पीवीसी मशीन का शॉट कैपेसिटी या इंजेक्शन कैपेसिटी जो एक शॉट में मैक्सिमम लिया जा सकता है। किसका हो गया दोस्तों? जिसका हमने 40 एमएम डाया वाला स्क्रू वाला मशीन सेलेक्ट किया था और जिसमें मैक्सिमम 220 एमएम तक हम डोजिंग दे सकते हैं। दोस्तों अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि आपका शॉट कैपेसिटी मटेरियल चेंज के साथ क्यों चेंज हुआ। तो दोस्तों अभी हमने शॉट कैपेसिटी वॉल्यूम की मदद से निकाला, जैसा कि देख पा रहे होंगे ऊपर वही कैलकुलेशन सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा हमने। अब देखते हैं मटेरियल चेंज करके शॉट कैपेसिटी क्या होता है। दोस्तों वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई पेस्ट कर रखा है, अब आइए हम देखते हैं मटेरियल चेंज करके। दोस्तों यहाँ पर हमने मटेरियल ले रखा है आपका पीपी मटेरियल जिसका डेंसिटी होता है आपका 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपका शॉर्ट कैपेसिटी आता है 254.21 ग्राम सी, यानी कि दोस्तों मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी या शॉर्ट वेट चेंज होता है क्योंकि हमारे मटेरियल का डेंसिटी चेंज होता है। यानी कि सेम मशीन में जैसे ही हम कोई दूसरा मटेरियल डालते हैं तो उसके डेंसिटी के हिसाब से हमारा मशीन का शॉर्ट वेट चेंज होता है। वॉल्यूम तो सेम रहता है परंतु डेंसिटी चेंज होने की वजह से हमारा शॉर्ट वेट कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा या कुछ अच्छा नहीं लगा जिससे आप डिसलाइक करना चाह रहे तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए कि आपने यह वीडियो डिसलाइक क्यों किया है ताकि हम आगे सुधार कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।